वाजिबुल इज़्राम इज़्ज़त माब जनाब नक़ी साहब क़िबला ख़िताब फ़रमाएँगे। उनके नूरानी बयान से हम सब अभी फैज़याब होंगे। उससे पहले सोच खानी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए जनाब सलमी साहब और उनके हमनवा से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाहे आले मोहम्मद में बनवाने सोच खानी ख़राज अक़ीदत पेश फ़रमाएँ। बुलंदतरीन नारे सलवात अफसोस के लड़ने की इजाजत न मिली, वरना दरे कूफा दरे खैबर लाखों में कोई। माँ के प्यास सोती थी बरना सर खुले जिंदा के दरवाजे पे रोती थी। हाय उधर से जो गुजरता था तो कहती थी के सुनता जा मैं बेकस कैद में हूँ कोई फरियाद लेता जा। अगर बा मिले तुझको तो कहियो ये कसम खाका सकीना पर मुसीबत है खबर लो शहवाला सकीना खैद। बुलंद तरीन नारा सलवात इरशाद फरमाते हैं चार मिसरे नजर फरमा रहे हैं मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिए चूँकि एक साले सवाब की मजलिस है और तो आगाज़ कर रहा हूँ कि याली कहने से ईमान सवर जाता है, याली कहने से ईमान सवर जाता है पर मुनाफिक है कि इस नाम से डर जाता है। याली कहने से ईमान सवर जाता है, बात दिलों में उतरे तो लबों को जुम्बिश दीजिएगा। या अली कहने से ईमान सवर जाता है पर मुनाफिक है कि इस नाम से डर जाता है। देखने के लिए मरता है कोई हैदर को और कोई देख के हैदर को ही मर जाता है। देखने के लिए मरता है कोई हैदर को और कोई देख के हैदर को ही मर जाता है। या अली कहने से ईमान सवर जाता है पर मुनाफिक है कि इस नाम से डर जाता है। देखने के लिए मरता है कोई हैदर को और कोई देख के हैदर को ही मर जाता है। अजब जाविये के मिसरे हैं कि हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, अल्लाह अकबर। हरम लगे है हरम के, शेर सुनने वाले बैठे हैं, शेर कहने वाले बैठे हैं, शेर समझने वाले बैठे हैं, मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ। हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, हरम लगे दिलों पे हाथ रखिएगा, इजाज़त दे तो बोलिएगा। हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, बड़ा हंसी है इमाम मुबीन का बेटा। हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, चौथा मिसरा दिलों से निकलिएगा, आप देखिएगा। हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, बड़ा हंसी है इमाम मुबीन का बेटा, वो जिसका हाथ भी कटकर ना झुक सका तालिब, वो सिर्फ एक है उम्मुल बनीन का बेटा। वो जिसका हाथ भी कटकर ना झुक सका तालिब, वो सिर्फ एक है उम्मुल बनीन का बेटा। हरम लगे है हरम के मकीन का बेटा, बड़ा हंसी है इमाम मुबीन का बेटा, वो जिसका हाथ भी कट कर ना झुक सका तालिब, वो सिर्फ एक है उम्मुल बनीन का बेटा। तो बस रही थी बस्तियाँ बस वो वहाँ बसने लगे, बस रही थी बस्तियाँ बस वो वहाँ बसने लगे, बस रही थी बस्तियाँ बस वो वहाँ बसने लगे, नूर वाले नूर का एक दायरा कसने लगे। बस रही थी बस्तियाँ बस वो वहाँ बसने लगे, बस रही थी बस्तियाँ बस वो वहाँ बसने लगे, नूर वाले नूर का एक दायरा कसने लगे। बागियों से सुन के बैहत का ये बचकाना सवाल, असग़र बेशीर भी मैदान में हंसने लगे। बागियों से सुन के बैहत का ये बचकाना सवाल, असग़र बेशीर भी मैदान में हंसने लगे। बागियों से सुन के बैहत का ये बचकाना सवाल, असग़र बेशीर भी मैदान में हंसने लगे। शेर पर नज़र करूं, इजाज़त है आपकी? अब ज़ौक़े समात के लिए नज़र कर रहा हूं कि तालिब जो मुस्कुराई थी दीवार हरम की, तालिब जो मुस्कुराई थी दीवार हरम की, नौशाद बन के फिर वो सुबह शाद आ गई। अल्लाह अकबर, नहीं हक नहीं अदा किया आपने। तालिब जो मुस्क, देखते हैं चौथे मिसरे पे कौन साथ रहता है। तालिब जो मुस्कुराई थी दीवार हरम की, नौशाद बन के फिर वो सुबह शाद आ गई। तालिब जो मुस्कुराई थी दीवार हरम की, नौशाद बन के फिर वो सुबह शाद आ गई। ये जुस्तजू तलाश फ़ज़ाइल भी खूब है, असगर हंसे तो 13 रजब याद आ गई। अल्लाह, ये जुस्तजू तलाश फ़ज़ाइल भी खूब है, असगर हंसे तो 13 रजब याद आ गई। तालिब जो मुस्कुराई थी दीवार हरम की, नौशाद बन के फिर वो सुबह शाद आ गई। ये जुस्तजू तलाश फ़ज़ाइल भी खूब है, असगर हंसे तो 13 रजब याद आ गई। शेर सुनिए कि लिखूं क्या शान मैं तालिब उसे एक प्यासे की, लिखूं का शान मैं तालिब उसे एक प्यासे की, नहर से खुद को जो प्यासा निकाल लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिखूं क्या शान मैं तालिब उसे एक प्यासे की, कभी कभी अपने शेर पढ़ने का मौका मिलता है, वरना निज़ामत में तो दूसरों के पढ़ते हैं। लिखूं क्या शान मैं तालिब उसे एक प्यासे की, नहर से खुद को जो प्यासा निकाल लेता है। कटे हैं हाथ ये सच है, मगर अली का अली बगैर हाथों के सबको संभाल लेता है। कटे हैं हाथ ये सच है, मगर अली का अली बगैर हाथों के सबको संभाल लेता है। तो अभी ये सलमी अच्छा पढ़ रहे थे कि चाहे वो, लेकिन जो अहले बैत हैं चाहे जिधर से आए। शेर सुनिए कि कंजे मख्फी के तारुफ को वली आए हैं, कंजे मख्फी के तारुफ को वली आए हैं, हामिले मजहर औसाफ़े जली आए हैं। कंज़े मख्फी के अब उलमा बैठे हुए हैं, कुरान में जिक्र है लित्ताइफ़ीना वलाकिफ़ीना व रुक्कई सुजूद, इब्राहिम और इस्माइल मेरे घर को पाक करो, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। अब शेर सुनिए कि कंज़े मख्फी के तारुफ को वली आए हैं, कंज़े मख्फी के तारुफ को दिल में अगर विलायत की मोहर है तो बोलिएगा। कंज़े मख्फी के तारुफ को वली आए हैं, हामिले मजहरे औसाफ़े जली आए हैं। पहले 2 नबियों ने ताहिर किया आकर के हरम, फिर कहीं बाद में काबे में अली आए हैं। पहले 2 नबियों ने ताहिर किया आकर के हरम, फिर कहीं बाद में काबे में अली आए हैं। तो साकी अगर नसीब में जामे विला नहीं, साकी अगर नसीब में जामे विला नहीं, कौसर न पी सकोगे अगर ये पिया नहीं। साकी अगर नसीब में जामे विला नहीं, शेर सुनने वाले लुत्फ़ लेते हैं। साकी अगर नसीब में जामे विला नहीं, कौसर न पी सकोगे अगर ये पिया नहीं। शबे आशूर शेर सुनिए कि शम्मा बुझी पर कोई भी उठकर गया नहीं, शम्मा बुझी पर कोई भी उठकर गया नहीं, यानी शजर से कोई परिंदा उड़ा नहीं। शम्मा बुझी पर कोई भी उठकर गया नहीं, यानी शजर से कोई परिंदा उड़ा नहीं। अब शेर सुनिए कि बेशीर की हंसी हो या सज्जाद का खिताब, बेशीर की हंसी हो या सज्जाद का खिताब, तेगे अली का इससे हंसी तर्जुमा नहीं। अल्लाहु अकबर, मैं शेर नजर कर रहा हूँ, अब मुसलसल शेर नज़र कर रहा हूँ कि साकी अगर नसीब में जामे विला नहीं। अगर वज्द में पढ़ूँ तो फिर अलग मामला होता है, लेकिन कभी कभी शाइस्तगी के पढ़ने का एक अलग अंदाज होता है। तेगे साकी अगर नसीब में जामे विला नहीं, कौसर न पी सकोगे अगर ये पिया नहीं, शम्मा बुझी पर कोई भी उठकर गया नहीं, यानी शजर से कोई परिंदा उड़ा नहीं। बेशीर की हंसी हो या सज्जाद का खिताब, तेगे अली का हिस्से हंसी तर्जुमा नहीं, तेगे अली का इससे हंसी तर्जुमा नहीं। अब शेर सुनिए कि कैसे मिटेगा नामे अली कायनात से, कैसे मिटेगा, दूसरा मिसरा पेश कर रहा हूँ साहिबान नज़र के लिए। कैसे मिटेगा नामे अली कायनात से, सूरज समंदरों में कभी डूबता नहीं। अल्लाह अकबर, मैंने शेर नजर फरमाया है। कैसे मिटेगा नामे अली, सूरज दिखता तो है कि समंदर में गुरूब हो रहा है, लेकिन हकीकत नहीं होती। तेगे कैसे मिटेगा नामे अली कायनात से, सूरज समंदरों में कभी डूबता नहीं। और आप देखें कि जो कलाम होता है, चूँकि किबला ये सब खुद शेर कहने वाले बैठे हैं, बग़ैर रदीफ़ के तो कलाम मुमकिन है, लेकिन बग़ैर काफ़िये के कलाम नहीं होता। कलाम में काफ़िया ज़रूरी है, रदीफ़ हो या ना हो, बग़ैर रदीफ़ के कलाम हो जाता है। अब शेर सुना रहा हूँ कि साकी अगर नसीब में जामे विला नहीं, कौसर न पी सकोगे अगर ये पिया नहीं, शम्मा बुझी पर कोई भी पर कोई भी उड़कर गया नहीं, यानी शजर से कोई परिंदा उड़ा नहीं। बेशीर की हंसी हो या सज्जाद का खिताब, तेगे अली का इससे हंसी तर्जुमा नहीं। कैसे मिटेगा नाम अली कायनात से, सूरज समंदरों में कभी डूबता नहीं। तो ऐसी सूरज समंदरों में कभी डूबता नहीं, तो ऐसी बिना अली के है सजदों की मनकबत, ऐसी बिना अली के है, ऐसी बिना अली के है सजदों की मनकबत, जिसमें रदीफ तो है मगर काफिया नहीं। ऐसी बिना अली के है सजदों की मनकबत, जिसमें रदीफ तो है मगर काफिया नहीं। शेर सुनिए कि हाथों पे हैं रसूले खुदा के अबू तुराब, हाथों पे हैं रसूले खुदा के अबू तुराब, इस वक्त दो कमान का भी फासला नहीं। हाथों पे हैं रसूले खुदा के अबू तुराब, इस वक्त दो कमान का भी फासला नहीं। और आप देखें कि एक मंजरनामा है जुल्फ़िकार के उन्वान से मैं पेश कर रहा हूँ, बस उसके बाद सफ़र तमाम। कि तेगे अली हुनर ये दिखाती चली गई, तेगे अली हुनर ये दिखाती चली गई, आदाब हरबो ज़रब सिखाती चली गई। तेगे अली हुनर ये दिखाती चली गई, तेगे अली हुनर ये दिखाती चली गई, आदाब हरबो ज़रब सिखाती चली गई। जिनसे निगाह अपनी मिलाती चली गई, उन खाकियों को खाक चटाती चली गई। अल्लाह अकबर, मैं मिसरे नज़र फरमा रहा हूँ। तेगे अली हुनर ये दिखाती चली गई, तेगे अली हुनर ये दिखाती चली गई, आदाब हरबो ज़रब सिखाती चली गई। जिनसे निगाह अपनी मिलाती चली गई, उन खाकियों को खाक चटाती चली गई। ये फैज़ तेगे साकिए कौसर न पूछिए, अल्लाह अकबर, ये तेगे फैज़े साकिए कौसर ना पूछिए, पानी कज़ा का सबको पिलाती चली गई। ये तेगे फैज़े साकिए कौसर ना पूछिए, पानी कज़ा का सबको पिलाती चली गई। शेर नज़र कर रहा हूँ कि पहले सुना के मौत की मख्तल में लोरियाँ, पहले तेगे अली हुनर ये दिखाती चली गई, आदाब हरबो ज़रब सिखाती चली गई, उन खाकियों को खाक चटाती चली गई। जिनसे निगाह अपनी मिलाती चली गई, ये फैज़े तेगे साकिए कौसर न पूछिए, पानी कज़ा का सबको पिलाती चली गई। शेर सुनिए कि पानी कज़ा का सबको पिलाती चली गई, तो पहले सुना के मौत की मक्तल में लोरियाँ, तलवार चल रही है, पहले सुना के मौत की, अगर आप जाके नहीं सुनेंगे तो 1 घंटा मैं अकेले ही पढ़ूँगा। पहले सुना के मौत की, भाई जिक्र मौला से गरज है, पहले सुना के मौत की मक्तल में लोरियाँ, फिर सब बसब सफ़ों को सुलाती चली गई। पहले सुना के मौत की मक्तल में लोरियाँ, फिर सब बसब सफ़ों को सुलाती चली गई। तो मैदान कारजार में एक सूर फूंक कर, शम्मे हयात कुफ्र बुझाती चली गई। मैदान कारजार में एक सूर फूंक कर, शम्मे हयात कुफ्र बुझाती चली गई। एक ज़रब से लई को बराबर का काट कर, क्या अदल है ये सबको दिखाती चली गई। तो तालीब खुराक बन के वो आती चली गए, लुकमे समझ समझ के ये खाती चली गई। तालीब खुराक बन के वो आते चले गए, लुकमे समझ समझ के ये खाती चली गई। ये आपकी मोहब्बत है कि आप समाज फरमा रहे थे। आइए मैं बहुत ही अदब व एहतराम से और अहमद फराज के शेर से आली जना मौलाना नक़ी हैदर साहब का क़िबला का इस्तकबाल फरमाता हूँ कि वो कहा करते थे किसी साहिबाने उकूल व इदराक के लिए, वो कहते थे कि सुना है बातों से, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आइए गुजारिश गुजारें आली जना मौलाना नक़ी हैदर नक़वी साहब क़िबला मेरठ से कि वो आएँ और अपने नूरानी बयान से हमारे क़ुलूब को मुजल्ला व मुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अल्लज़ी शर्रफ़ल क़ौसैन बिदनालैनि शरीफ़ैन वसीलतुना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम सुम्मा सलातु व सलाम अला अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहरहुम ततहीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अज़्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़ामतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह फ़तमन्नौल मौता इन कुन्तुम सादिक़ीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम हुसैन रज़ा इब्ने शहनशाह हुसैन की रूह को इसार। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात गिरामी मंज़िलत, सामीन मोहतरम और उलमाए किराम, तेईस क़ाद शहादत इमाम अली रज़ा की भी तारीख़ है। ज़िक्र इमाम रज़ा आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, मगर उससे पहले हक़ मौजू और हक़ मुनासबत ये है कि उस मौजू के बारे में गुफ्तगू की जाए कि पिछले 1 साल में जिस मौजू से ज़्यादा किसी मौजू पर गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ़ मजलिसों में नहीं, मजलिसों में सिर्फ नहीं, घरों में, बल्कि कह दूँ कि सिर्फ घरों में नहीं, 4 आदमियों में नहीं, अकेला भी आदमी है तो वो अपने आप से इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। क्या मौजू? मौजू वो हकीकत, वो रियलिटी, वो फैक्ट कि जो खुदा का इनकार करते हैं वो भी मौत का इकरार करते हैं। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे खुदा नहीं है, मगर कोई एक नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मौत नहीं है। हक़, रिवायात में मौत को हक़ कहा गया है। हक़ यानी इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ये डेस्टिनी है इंसान की, बल्कि इंसान की क्या, कुरान मजीद ने साफ साफ कहा कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है इस रूए अर्ज पर फान, फना होने वाला है, मिट जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है। ये इंसान जो पानी की बोतल भी ले तो उस पर एक्सपायरी चेक करता है, चिप्स भी ले तो उस पर एक्सपायरी चेक करता है कि देखें इसकी मुद्दत कब तक की है, ख़त्म तो नहीं हो गई है, ख़त्म तो नहीं हो गई है मुद्दत। आप खुद तसव्वुर नहीं, आप खुद इंसाफ से बताइए कि अगर चिप्स के पैकेट पर एक्सपायरी डेट जो लिखी हुई हो वो ख़त्म हो जाए तो क्या चिप्स ख़त्म हो जाता है या चिप्स रहता है पैकेट में? एक्सपायरी डेट जो लिखी हुई थी वो गुजर गई तो क्या चिप्स है अपनी जगह या ख़त्म हो गया? दूध की बोतल ले ली, जूस की बोतल ले ली, एक्सपायरी चेक कर रहे हैं आप, कहा भाई ये नहीं चाहिए, कहा क्यों नहीं चाहिए, कहा कि ये तो एक्सपायर हो गई है, कहा कैसे एक्सपायर हो गई है, इसमें तो जूस है, इसमें तो अभी प्रोडक्ट है, जूस है, फिर ये कैसे एक्सपायर हो गई, कैसे इसको एक्सपायर मान ले, कैसे मान ले कि ये ख़राब हो गई या एक्सपायर हो गई? तो वो कहेगा कि भाई ज़रूर इसके अंदर वो सामान है जो मैं ख़रीद रहा हूँ मगर ये एक्सपायर हो गई, इसका मतलब ये है कि जो फ़ायदा इसे पहुँचाना चाहिए था अब वो ये फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएगा। समझ में आया कि एक्सपायरी और हयात में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर फ़ायदा पहुँचा रहा है तो हयात है, फ़ायदा पहुँचाना बंद कर दे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर फायदा पहुंचाना बंद कर दिया क्या होगा? माइक है, बोल रहा हूं मैं आपके सामने अभी, इसमें से ये इसका काम क्या है, मकसद क्या है? ये मेरी आवाज ले और आप तक पहुंचा दे, मेरी आवाज ले और आप तक पहुंचा दे। कैसे पहुंचे? जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही पहुंचा दे। अगर ये आवाज पहुंचाना बंद कर दे, मैं बोल रहा हूँ इससे आवाज़ नहीं जा रही आपकी तरफ, या आवाज़ कैच करना शुरू कर दे। सबसे बड़ा अलमिया खिताबत में, जाकरी में, शायरी में, नोहखानी में ये होता है माइक आवाज़ खा रहा है। अगर आवाज़ खानी शुरू कर दे या जो बोल रहे हैं इसमें कुछ इस तरह से हो कि वो सही समझ में ना आए, तो वही मौलवी, वही शायर, वही ख़तीब, वही मरसी खान जो ये चाहता है कि माइक हो मगर जैसे ही ये गड़बड़ करे फ़ौरन कहेगा हटाइए इसे, ये डेड हो गया। कहा भाई डेड क्यों हो गया? कहा कि जिस काम के लिए बनाया था वो काम ही नहीं कर रहा है, उसके अलग कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। आवाज़ पहुंचानी चाहिए थी, ये तो आवाज़ खा रहा है। क्या हुआ? डेड हो गया। क्या करे? कहा इसे हटाइए। क्यों? इसलिए कि जिस मकसद के लिए खल्क हुआ उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है, फायदा नहीं पहुंचा रहा है, फायदा नहीं पहुंचा। हयात की सबसे बड़ी दलील उसका दायमुल फैज होना है। अगर फैज पहुंच रहा है तो चाहे सामने हो या ना हो चीज जिंदा है। अब आप समझे कि ये हजारों हजार लोग मशहद में इमाम रजा के रोजे पर पहुंच रहे हैं, ये पहुंचना बता रहा है कि अभी वहां से फैज जारी है। अगर फैज जारी ना होता तो जैसे माइक हटा दिया जाए, जिस चीज से फायदा ना हो, ये रोशनी ना दे, हटा देंगे या नहीं? कहते हैं नहीं, बल्ब डेड हो गया। फोन, मोबाइल फोन कॉल करने के लिए क्या हुआ? डेड हो गया। मोबाइल हमारे सामने है मगर डेड हो गया। कहा कैसे डेड हो गया? तो पूरा वजूद इसका है। कहा वजूद तो है मगर फायदा नहीं पहुंचा रहा है। अगर कोई वजूद आपको सामने दिखाई दे रहा है समाज में और उससे समाज को कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है तो समझ जाइए कि वजूद तो है मगर डेड हो चुका है, जिंदा नहीं है। हयात मौत सबसे ज़्यादा इसी पे गुफ्तगू हुई है और मैं बार बार कहता हूँ इस पर जितनी गुफ्तगू हो उतना कम है, इसलिए कि अभी हम लोगों ने मौत को यकीन जानिए, यकीन जानिए। मौत को इंसान हकीकत तब तक नहीं समझता जब तक उसके सामने ना आ जाए। जब तक सामने नहीं आती इंसान क्या समझता है? कुछ इसकी जो है अहमियत नहीं समझता, ना उसको अहमियत देता है। आप सोचें, चंद बातें अर्ज करनी है फिर अपने मौजू का आऊँगा। हम मौत को अगर ये समझे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी को स्टेजेस बनाई हैं। गौर कीजिएगा, अल्लाह ने इंसान की ज़िंदगी के लिए स्टेजेस बनाई हैं और वो स्टेज जो बनाई हैं अल्लाह ने ज़िंदगी की, वो इस तरह से बनाई है कि पहली वाली स्टेज दूसरी वाली स्टेज के लिए इंसान को तैयार करती है। पहली स्टेज दूसरी स्टेज के लिए इंसान को क्या करती है? तैयार करती है। बच्चे पहली क्लास में जो पढ़ रहा है क्यों पढ़ रहा है? ताकि अगली क्लास के लिए तैयार हो जाए। सेकंड में आया, सेकंड में क्यों पढ़ रहा है? ताकि थर्ड के लिए। हर स्टेज किस लिए है? ताकि अगली स्टेज के लिए तैयार हो जाए। अब अगर पहली स्टेज में बच्चा कमज़ोर रह जाए, पहली स्टेज में बच्चा कामयाब कमज़ोर रह गया, तो अगली स्टेज क्या होगी? कमज़ोर रहेगा ना। मिसाल दे रहा हूँ आपको दूसरी। इंसान की ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी स्टार्ट कहाँ से होती है? माँ के पेट से, बतने मादर, शिकम मादर। शिकम मादर में इंसान बनना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होता है। अब अगर कोई बच्चा जो माँ के शिकम में है उसका एक हाथ डेवलप ना हो, एक स्टेज है नहीं जिंदगी की, उसका एक हाथ माँ के शिकम में डेवलप नहीं हुआ, छोटा रह गया, तो जब वो नेक्स्ट स्टेज में आएगा, माँ के शिकम से बाहर की दुनिया में आएगा, तो मुझे ये बताइए क्या उसका हाथ डेवलप हो जाएगा या नाकिस रहेगा? क्यों नाकिस रहेगा? ये तो नई दुनिया है। कहा नहीं, इससे पहली वाली जो स्टेज थी उसमें हाथ क्या रहा? नाकिस, डेवलप नहीं हुआ था। पैर छोटा रह गया, तो क्या अगली स्टेज में हम उसको डेवलप कर सकते हैं? अगली स्टेज में हम चाहें, यानी बच्चा जो माँ के शिकम में जिसके पैर डेवलप नहीं हुए वो दुनिया में आए और हम चाहें कि उसके पैर डेवलप हो जाएं, क्या हो जाएंगे? मसनवी तो आप लगा सकते हैं, मगर क्या वो डेवलप हो जाएंगे? क्यों नहीं डेवलप होंगे? कहा कि इसके लिए जो पहले वाली स्टेज थी उसमें डेवलप होना जरूरी था, तभी तो नाकिस क्यों रहा? चुके वहां पर नाकिस रहा, यहां पर भी। किसी बच्चे के कान ही नहीं बने, होता है, दुनिया में आया कान नहीं है उसका। क्यों नहीं है? क्योंकि मां के पेट में डेवलप, मां के पेट में बना नहीं वो कान। तो आप जब बाहर आए तो बगैर कान के, ये कौन सी स्टेज थी? कहा इस स्टेज में जितने भी नुक्स हैं वो इसलिए है कि इससे पहले वाली स्टेज में मुकम्मल डेवलप नहीं हुआ। ये दुनिया सेकंड स्टेज है, इसके बाद है कयामत की स्टेज, मरने के बाद की स्टेज। अब जैसे माँ के शिकम में जो चीज डेवलप नहीं हुई वो यहाँ पर नाकिस ही रही, तो अब जो चीज यहाँ पर डेवलप ना हुई मरने के बाद की जो दुनिया होगी बरज़ख की, उसमें वो चीज। मैं कुरान पढ़ूंगा आपके सामने, कुरान मजीद में साफ साफ कहा, मन काना फी हाज़िही आमा फहुआ आमा फिल आखिरा। जो यहाँ पर अंधा है वो तो आखिरत में भी अंधा है। अल्लाह हू अकबर। जो यहाँ पर अंधा है कुरान, वो क्या है? आखिरत में भी अंधा है। इमाम के पास एक नाबीना पूछा, कहा मौला ये जो मैं नाबीना हूं यहाँ पर, इसमें मेरी क्या खता है? मरने के बाद भी मैं अंधा रहूंगा? ये कौन सी फजीलत है? ये कौन सा काम हो गया? दुनिया में तो अंधा हूँ, आखिरत में भी अंधा हूँ। इमाम ने फरमाया कि नादान, तू जानता नहीं दुनिया के बाद की स्टेज रूह की स्टेज है, जिस्म की नहीं। जिस्म का नक्श माँ के शिकम से ताल्लुक रखता है, रूह का नक्श इस दुनिया से ताल्लुक रखता है। कहा मौला मतलब क्या है? कहा अगर तुम हक और बातिल में दुनिया में तमीज नहीं कर सकते तो यहां भी अंधे हो वहां भी अंधे हो। वो यहां पर अंधा है। जो यहां पर अंधा है वहां भी क्या होगा? जो यहां पर जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकता तो वहां गूंगा उठेगा, इसलिए कि रूह डेवलप नहीं कर पाई यहां पर। अगर रूह हक बोलती यहां पर तो वहां पर जब उठता जबान के साथ उठता, चूंकि दुनिया में डेवलप ही नहीं हुई। कान डेवलप क्यों नहीं हो रहे? अगर मजलूम की सदा आप नहीं सुन पा रहे हैं, किसी मजलूम की जरूरतमंद की आवाज को सुनकर आप अनसुना कर रहे हैं, तो गोया रूह के कान को डेवलप नहीं कर रहे। अब जब वहां उठेंगे तो बहरे उठे हैं। स्टेजेस हैं, स्टेजेस स्टेजेस आपको समझना है। ये स्टेजेस को अक्सर लोग यहां पर शक नहीं शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? कि हमारा तो खानदान अच्छा नहीं है, क्या करें, क्या तरक्की करें, हमारा खानदान ऐसा है, क्या तरक्की करें, हमारा तो हम तो गरीब घर में पैदा हुए थे, क्या तरक्की करें, मसलन कि हमारा तो कद ज़्यादा नहीं है, क्या करें, हमारा तो रंग साफ नहीं है, गोरे नहीं है, सांवला है, क्या करें, हम तो ऐसे हैं, क्या करें, हम तो वैसे हैं, हम कैसे तरक्की करें। ज़ाहिरन रसूल खुदा की ये रिवायत आयतुल्लाह तेहरानी मुज्तहिद तेहरानी दर्स अखलाक में अपने फरमा रहे थे। कह रहे थे कि इंसान इस दुनिया में शिकायतें करता है, क्या करें, हम तो ऐसे घर में पैदा हो गए, राजा के घर में पैदा नहीं हुए, बादशाह के घर में पैदा नहीं हुए, मालदार के घर में पैदा नहीं हुए, ऊंचे ख़ानदान में पैदा नहीं हुए, ऊंची जगह में पैदा नहीं हुए, ऊंचा हमारे कद हमारा छोटा रह गया, हम क्या करें, हम तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है। का रसूल इस्लाम के पास जब ये मसला पहुँचा तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि बेशक ऐसा ही है कि दुनिया में तुम जब आए हो तो तुम्हारा इख्तियार नहीं है कि किस घर में जाएं या किस घर में ना जाएं, कैसे बने कैसे ना बने, रंग तुम्हारा कैसा हो इसमें तुम्हारा इख्तियार नहीं है, कद तुम्हारा कैसा हो इसमें तुम्हारा इख्तियार नहीं है, मगर अल्लाह ने आदिल अल्लाह ने तुम्हारे इस तलाफी का इस नक्श की तलाफी के लिए तुम्हें एक मौका दिया कि तुम जब दुनिया में आए तो हो सकता है तुम छोटे खानदान में हुए हो, मगर एक मौका तुम्हें दिया जाएगा कि वहां पर तुम क्या रहोगे ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। दुनिया में अच्छी जगह पर पैदा नहीं हुए, यतीम के साथ मोहब्बत करो, रसूल के पड़ोसी हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे जैसे दो उंगलियां, ये तुम्हें इख्तियारे हो जाओ। दुनिया में तुम्हें है कि तुम गलत जगह पर पैदा हुए, वहां पहुंचो, दुनिया में तुम्हें है कि तुम्हारा रंग सांवला है, गोरा नहीं है, करो अमल, वहां ऐसा रंग ले आओ कि तमाम अहले महशर तुम्हें देखे कि ये कौन नूरानी आ रहा है। यहां पर कद कम है तो आओ तुम्हारे कद की बुलंदी का रास्ता बताते हैं। माँ बाप के सामने अपने शानों को झुकाए रखो ताकि कयामत के दिन तुम्हारा सर ऊंचा रहे। डिसाइड करो तुम्हें क्या बनना है। यहां तुम्हें है कि मैं तरक्की इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे इख्तियार में नहीं था, अल्लाह ने इख्तियार दिया कि करो तरक्की, कहां तक कर सकते हो, जाओ कहां तक जा सकते हो। यहां पर गरीब हो, पैसा नहीं है, इख्तियार देते हैं, कयामत में साहिब सरवत बन जाओ। बन सकते हो या नहीं ये तो तुम्हारे हाथ में है, बन सकते हो या नहीं ये तो हमारे हाथ में है। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। मौत कुछ नहीं है, मौत सिर्फ वो है जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं, इसके बाद की स्टेज है। जैसा हम यहां अपनी रूह को डेवलप करेंगे, वहां पर हमारी मौत के बाद की जिंदगी वैसी ही होने वाली है। वहां शिकायत नहीं होगी कि हमें ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। अल्लाह ने मौका दिया तुम्हें डेवलप होने का, रूह को डेवलप करने का। मौत आपको मारती नहीं है, मौत आपको मारती नहीं है, हमें मौत मारती नहीं है, हम खुद अपने आप को मारते हैं। लम्हा लम्हा अपने आप को मार रहे हैं, सानिया सानिया, लहजा लहजा, हर सेकंड अपने आप को हम क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, मिटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। मौत हमें नहीं मार रही है। मिसाल दे रहा हूं, चौथे इमाम का वाकया है। चौथे इमाम, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान की मिसाल दुनिया में, इस मिसाल को समझिए हम सबके लिए है, इंसान की मिसाल इस दुनिया में उस बर्फ बेचने वाले की है जो लबे सड़क सड़क के किनारे बर्फ़ लिए खड़ा है बेचने के लिए, और जब शाम को दुकान बढ़ाने का वक्त आए और लोग पूछें कि कहो दुकानदारी कैसी रही, तो वो हाथ मलते हुए कहे बिका कुछ नहीं, ख़त्म सब हो गया। चौथे इमाम कहा बिका कुछ नहीं, खत्म सब हो गया, खत्म सब हो गया। हमारी जिंदगी की ये सांसें उसी बर्फ के टपकते हुए कतरों की तरह है। ये सांसें वही टपकते हुए कतरे हैं कि अगर बिक जाए तो एक शब में हुर बना दे, अगर खरीदार मिल जाए तो खरीद ले, कीमत दे दे, अहमियत बना दे इंसान की। और ये मिसालें अजीब मिसालें हैं, कसम खुदा की। हयात और मौत के फलसफे को समझिए अपनी ज़िंदगी की। इस हम लोग अक्सर कहते हैं ये बात मरने वालों के लिए कि वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह कहते हैं या नहीं? वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह, वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह। नहीं, वो अच्छी जगह नहीं है, आप अच्छी जगह है। वो मरने वाला अगर चाहे कि 2 रकत नमाज जो कज़ा रह गई थी पूरी कर ले, कर लेगा। भाई किसी के 2 रुपए रह गए थे, मरने वाला ये चाहे उसके लौटा दे, लौटा देगा। वो अच्छी जगह है, आप लौटा सकते हैं। आपकी 2 रकत कज़ा रह गई, आप पूरी कर सकते हैं। आपका रोज़ा छूट गया था, आप पूरा कर सकते हैं। वो मरने वाला नहीं कर सकता, तो वो अच्छी जगह है या आप? और ध्यान रखिए, अच्छी जगह वो होती है कि जहां लौटने की इंसान तमन्ना करे। अच्छी जगह वो होती है जहां लौटने की इंसान तमन्ना करे। कुरान पढ़िए, कुरान में अल्लाह इंसान की कैफियत बयान करता है कि इंसान कहेगा परवरदिगार एक बार पलटा दे, शायद मैं दोबारा नेक अमल अंजाम दे दूं। ये पलटने की तमन्ना बता रही है। ये दुनिया एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कोरोना की 2 वेव निकल गई और आप हैं तो उसका शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको मौका दिया कि आप अपना हिसाब क्लियर, शुक्र मनाइए उसका। कि उसने आपको बाकी रखा ताकि आप अपना हिसाब क्लियर कर लें। आप सोचिए तो सही, गौर तो कीजिए कि कोई मर जाए, बच्चे बाप की जनाजे पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई किसी का कुछ हो हमारे वालिद पर तो बता दें, दे देंगे। कहते हैं या नहीं बच्चे ये बात कि भाई किसी का कुछ चाहिए तो बताइए, हम चुका देंगे। ये किससे सवाल हो रहा है? दुनिया वालों से। औलाद को गौर करना चाहिए कि कहीं बाप के कांधे पर खुम्स और ज़कात तो बाकी नहीं है। बड़ी बात कह रहा हूं। जैसे ही आपने कहा कि किसी का कुछ चाहिए तो बताइए, फौरन अगर इमाम ने कह दिया कि मेरा हक चाहिए, सहमे सादात, सादात कहा जो गरीब व मोहताज सादात हैं, उनका हक। अगर फातिमा जहरा ने कह दिया मेरे बच्चों को हक चाहिए, सोचिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है ये सब बातें। औलाद के ऊपर इंसान कुछ ना छोड़े, कुछ ना छोड़े, औलाद के ऊपर खुद अंजाम दे। भला जो माने दुनिया तुम्हारे दिल से नहीं छूट रही है कि तुम्हारे काम आएगी, उसके लिए औलाद से तवक्को करना। आप सोचे हम लोगों यहाँ क्या रिवाज है। इधर इंतकाल हुआ, जनाजा तदफीन हुआ, क्या किया कि भाई कफन का खुम्स निकालो, कब्र में जो खर्चा हुआ है उसका खुम्स निकालो। इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है? खुम्स निकाला जाता है या नहीं? क्यों? क्यों क्यों निकाला जाता है खुम्स? आइडियल समाज तब होगा, अहले बैत का पसंदीदा समाज तब होगा कि जब कफन और तदफीन और तगसील में लगने वाले पैसे का खुम्स ना निकाला जाए। बड़ी बात कह दी है मैंने। आइडियल समाज कब होगा कि जब उसका खुम्स ना निकाला जाए। क्यों? इसलिए कि पहले से खुम्स निकला हुआ हो। ये क्यों निकाला जा रहा है? कहा पहले से निकला हुआ नहीं है, तो फिर कहा ये तो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इंसान चोरी के माल के साथ ना पकड़ा जाए। अल्लाहू अकबर। रेड हैंडेड ना पकड़ा जाए। कहा क्यों? कहा एक इंसान चोरी करता था, पकड़ा गया, तलाशी ली, उसके पास चोरी का माल बरामद हो गया। ये बुरा है? या ये बुरा है कि एक इंसान चोरी करता है मगर जब पकड़ा गया, जब उसके पास कोई माल नहीं था चोरी का, कौन सा बुरा है? कहा ये पहला वाला ज़्यादा बुरा था कि जब चोरी के माल के साथ पकड़ा गया। जो सारी जिंदगी खुम्स न दे, हक़ सादात भी चुरा रहा है, हक़ ईमान भी चुरा रहा है, अगर उसके कफन का भी ना निकले तो कयामत में या कब्र में रेड हैंडेड पकड़ा गया। भैया ये कफन जो, ये भी चोरी का है, इसलिए ये कफन का निकाल दिया जाता है, वरना निकालना हर चीज़ का चाहिए। और ध्यान रखें, खुम्स निकालने से गुर्बत नहीं आती, फक्र नहीं आता, तंग दस्ती नहीं आती। इससे तंगदस्ती नहीं आती, इससे बरकत आती है, रहमत आती है। इसलिए कि दुनिया के जितने भी टैक्स हैं वो इनकम पर हैं। कि आपने कितना कमाया इस पर टैक्स है, खुम्स बचत पर है। खुम्स बचत पर है। बचत पर बचेगा कब? आप अच्छी तरह खर्च कीजिए, मगर अगर बच जाए खर्च करने के बाद भी तो अब क्या करना चाहिए? अल्लाह हू अकबर, बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपकी खिदमत में। अब क्या करना चाहिए? एक इंसान अच्छी तरह खर्च करे, उसके पास भी पैसा बच जाए, तो आप उसे मशवरा क्या देंगे? यही मशवरा देंगे ना कि भाई इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो, यही कोई प्लॉट लेके डाल दो, कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, बच गया है ना, क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दो कहीं, ताकि पढ़कर मिले। सबसे बड़ी सेविंग स्कीम खुम्स है। भाई आप खर्च कीजिए, जो बच गया उस बचे हुए को अपनी आखिरत के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। कितना बढ़कर मिलेगा? 1/70। कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में 1 दिरहम खर्च करता है, ऐसा ही है कि जैसे उसने 1 दाना बोया हो, उस 1 दाने से 10 बालियाँ निकली, 7 बालियाँ निकली हो, और हर 7 बाली में 10-10 दाने हो। 1 दाना बोए तो कितने? 70 दाने। खुम्स ऐसे ही है, आपकी बचत पर है। और ध्यान रखें, खुम्स देने से आपकी इनकम हर साल बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी, इनकम नहीं। बचत बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से कुछ नहीं होता अगर खर्च भी बढ़ रहे हो। वाह 10 लाख कमाए, बीमार हो गए, 15 लाख लग गए। टैक्स तो इनकम पर है ना। खुम्स में बरकत होती है, बचत होती है, इसलिए कि आपकी बचत में इमाम शेयर होल्डर हो गए और सादा शेयर होल्डर हो गई। और जिस कारोबार में इमाम शेयर होल्डर हो, खिसारे की मिसाल दे रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूँ, शायद कहाँ आपके सामने दी हो, यहाँ नहीं दी होगी तो कानपुर के किसी कोने में ज़रूर ये मिसाल दी होगी। अगर आपके पास पैसा हो, और आपकी सिर्फ 1 बेटी हो, तो आप क्या करेंगे? और कोई औलाद ना हो, 1 बेटी हो, तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि उस बेटी के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, एफडी कर दें, प्लॉट ले लें, किसी सेविंग स्कीम में लगा दें, ताकि बच्ची को बढ़कर मिले। ठीक है, आपने लगा दिया सेविंग स्कीम में वो पैसा, बच्ची बड़ी हुई, शादी हो गई, अब उसे वो पैसा मिल गया, कब तक बाकी रहेगा? कब तक बाकी रहेगा? और कुछ दिन खा लेंगे, ये होगा ना। सब उठना ही है, पैसा तो खर्च होना है। बेटी को मिला जरूर, काम आया, मगर खर्च हो गया, खत्म। क्या उसके बच्चों को भी मिलेगा? क्या उसके बच्चों को भी मिलेगा? क्या उन बच्चों के बच्चों को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस कायनात में, गौर से मिसाल सुनिएगा, इस कायनात में एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन, बिजनेस टाइकून थी वो औरत, जिसका नाम था खदीजा। इतना पैसा था, इतना खजाना था, सब कुछ था, और बेटी थी 1, और जमाना था दुश्मन। तो क्या करना चाहिए था? क्या उस पैसे को, मालो दौलत को बेटी के लिए रख छोड़ती कि मेरी बेटी के काम आएगी, अकेली है, कोई भाई भी नहीं, इसके काम पैसा ही आ जाएगा? मगर खदीजा ने ऐसा नहीं किया, सारा पैसा इस्लाम के ऊपर खर्च कर दिया, बल्कि खर्च नहीं, इस्लाम में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब इन्वेस्ट कर दिया तो बारिए ताला ने कहा कि खदीजा, जो कुछ भी तेरे पास था तूने अपनी बेटी के लिए नहीं रखा, बल्कि मेरे पास इन्वेस्ट कर दिया, तो अब कयामत तक तेरी बेटी की जो नस्ल आने वाली है, कयामत तक तेरी बेटी की नस्ल चाहे ईमान की शक्ल में हो, चाहे सादात की शक्ल में हो, उसको तमाम मोमिनीन की कमाई में हिस्सा होगा। हिस्सा, बड़ी बात कह रहा हूँ, हिस्सा, सदका नहीं। क्या सहम कहते हैं शेर को, सहम इमाम, सहम सादात, सहम किसे कहते हैं? शेयर को। और शेयर कब मिलते हैं? कि जब पहले इन्वेस्ट किया गया हो। सहम कब मिलता है, शेयर कब मिलते हैं? जब आपने इन्वेस्ट किया हो। तो अगर इस्लाम की आमदनी में फातिमा की नस्ल को हिस्सा मिल रहा है तो खदीजा को सलाम कीजिए। और कीजिए। अगर ये सहम मिल रहा है तो देखिए कि कैपिटल अमाउंट किसने लगाया था। खदीजा ने कहाँ जमा किया था? दुनिया की कंपनीज भाग जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं, उस खुदा के यहाँ स्कीम में पैसा लगाया कि जिसके खजानों की कोई पायान नहीं है। वो जिसको चाहे मुल्क देता है, जिसको चाहे हुकूमत देता है, वो चाहे तो पत्थर को कीमती कर दे, वो चाहे तो कीमती को पत्थर कर दे। उसने कहा, और ध्यान रखें कि जो खुदा खदीजा के लिए था वो खुदा आपके लिए भी है। बड़ी बात कर रहा हूँ, जो खुदा खदीजा के लिए था वो खुदा आपके लिए भी है। आप अगर उसकी राह में खर्च करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको मिलने वाला है या नहीं, मिलेगा या नहीं। आप खुद सोचिए कि जो कुछ आपको मिला है उसके लिए आपने किया क्या था। छोटी बात है, आपको जो कुछ मिला है उसके लिए आपने किया क्या था? बताइए क्या किया था? ये आंख जो आपको मिली है इसके लिए आपने कुछ किया था? कोई मेहनत की हो? इन आंखों में जो रोशनी मिली उसके लिए कुछ किया था? ये कान जो मिले इसके लिए कुछ किया? ये दिल जो मिला इसके लिए, ये जिस्म जो मिला इसके लिए कुछ किया? कुछ किया हमने? नहीं किया। ये ऑक्सीजन जो मिली हमें दुनिया में आकर पहले से तैयार, उसके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। अरे इस जमाने में देखो, एक सिलेंडर लेने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े। आपने कुछ किया था कि दुनिया में आया तो आपको ऑक्सीजन मिल गई? कुछ किया था? आप सोचे कितने कितने हजार के ऑक्सीजन सिलेंडर बिके हैं, आपने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की है अब तक? कभी हिसाब लगाया कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आप? हिसाब लगाया कि गरीब से गरीब आदमी भी कितना पैसा खर्च कर चुका? इन सब चीज़ों के लिए कुछ किया था हमने? कहीं पैसा जमा किया था? कुछ किया था? कहा नहीं। तो ध्यान रखें कि जब बगैर कुछ किए वो इतना कुछ कर रहा है, बगैर कुछ किए वो इतना कुछ दे रहा है। प्रीमियम मेंबरशिप में तो अगर पेड मेंबरशिप हो जाए, अगर पेड मेंबरशिप हो जाए तो इधर से रोटियां जाएंगी, उधर से आयतें आएंगी, इधर से अंगूठी जाएगी, उधर से आयतें। करके तो देखिए, खुदा के लिए तैयार तो होइए। कुछ नहीं करना आपको, जो वहां से लिया। हम तो खुद भी कहते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। कहते हैं या नहीं कि सब कुछ यहीं रह जाने वाला है? कहते हैं या नहीं कि सब यहीं रह जाएगा? साथ क्या जाता है, सब यही रह जाएगा, कुछ भी यही नहीं रहेगा। आप में ले जाने की हिम्मत होनी चाहिए। आपकी विल पावर होनी चाहिए ले जाने की। कुछ यहाँ नहीं रहेगा। का क्यों? का कुरान साफ साफ कह रहा है कि कयामत में वही मिलेगा जो अपने हाथों से अल्लाह के यहाँ भेज देते हो। ये मिसाल देता हूँ, बार बार देता हूँ, उसको समझिए। जो लोग सऊदी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं काम करने और रहते हैं वहाँ पर, पैसा कमाते हैं, ठीक है, खूब पैसा कमाते हैं, खाते भी हैं, खर्चा भी करते हैं अपना। मगर एक तबका वो होता है कि जो कमाता है उसे वहाँ भेजता रहता है जहाँ पलट कर जाना है। जो इंडिया से गया और उसने कमाया, वहाँ पे इंडिया भेजता रहा, कमाया इंडिया भेजता रहा, कमाया इंडिया भेजता रहा। एक तबका वो होता है कि जो कमाता है वहीं जोड़ता रहता है, जो कमाता है जोड़ता रहता है, खर्च करता रहता है, जोड़ता रहता है, खर्च करता रहता है, जोड़ता रहता है। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए और ऑर्डर आ जाए गवर्नमेंट का कि जो जिस हालत में है वैसे ही निकलो, जो जिस हालत में है वैसे ही निकल जाओ, तो आप बताइए कि कौन ज्यादा परेशान होगा? कमा दोनों रहे, परेशान कौन ज्यादा होगा? वो होगा कि जिसने सब कुछ वहीं जमा कर रखा था, जहां पलट कर जाना है वहां कुछ नहीं भेजा। और जो सब कुछ भेजता रहा, जैसे ही हुक्म होगा कि जाओ, फौरन बैग उठा के कहेगा मैं तो पहले से तैयार हूं। भाई ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहां पर मौत के हुक्म से वही डरता है जिसने वहां कुछ ना भेजा हो। जैसे ही ऑर्डर आए निकल आओ, तो जिसने उसकी बारगाह में अपना इंतजाम कर रखा है फौरन कहेगा तैयार है। वो कहेगा कि हमें डर नहीं, मौत हम पर आ जाए या मौत हम पर आ जाए। और जिसने सब यही जोड़ रखा है वहां नहीं भेजा, उसका क्या होगा? वो परेशान रहेगा, मेरा माल बर्बाद हो गया, मेरा यहाँ घर बनाया था वो यही रह गया, सारी चीजें ऐसी रह गई, मैंने कितनी मेहनत की सब यही रह गया, कुछ नहीं ले जा पा रहा है। जो समझदार है वो पहले ही भेजते रहते हैं। अगर समझदार है तो अपना खून, ज़कात, जो कुछ भी आप पर वाजिब होता हो वो वहाँ भेजते रहिए, इसलिए कि उस इमरजेंसी का किसी को नहीं मालूम कब हुक्म आ जाए, कब कह दे चले आओ, कब कह दे चले आओ, छोड़कर दुनिया जाना पड़ेगा। कोई कह देगा मुझे 1 मिनट और रोक लो, हॉस्पिटल वाले भी निकल जाए तो आईसीयू में 2-4 दिन रख ले शायद, मगर 2-4 दिन बाद वो भी कहते हैं डिस्पोज हो रही है ले जाओ, कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखें, देने से अल्लाह की राह में कोई गरीब नहीं होगा। और जब हम निकालते हैं ये पैसा, ध्यान रखें सेहत हमारी महफूज होती है, बीमारियों से हम महफूज रहते हैं, औलाद हमारी नेक और साले होती है, हमारी ज़िंदगी में सुकून होता है। ये सारी चीज़ें कब हैं? कि जब हम जो हमारे ऊपर अल्लाह के हक़ हैं वो अदा करते रहें, अल्लाह के हक़ अदा करते रहें, कोई गरीब नहीं होगा। इसलिए कि उसकी बारगाह में जो गरीबुल गुरबा होता है वही सुल्तान अरब और अजम होता है। शब शहादत है इमाम की, 23 ज़िलक़ादा शहादत। क्या लक़ब है? गरीबुल गुरबा। अस्सलामु अलैका या गरीबल, ऐ गरीबों से भी ज्यादा गरीब, आप पर हमारा सलाम। दूसरा जुमला इसी ज़ियारत का, अस्सलामु अलैका या सुल्तानल अरब वल अजम, ऐ अरब और अजम के सरदार सुल्तान तुम पर हमारा सलाम हो। लोग सोचेंगे कैसे गरीब भी है और सुल्तान भी है। अरे ये शक वही करेगा कि जिसने पहले अमीर की सीरत नहीं देखी, जो फाके भी कर रहा है, अमीरुल मोमिनीन भी है, उसके यहाँ फाके भी है और अमीर। सुल्तान अल अरब वल अजम, सुल्तान किसे कहते हैं? बादशाह नहीं कहा, सुल्तान कहा है। बादशाह नहीं कहा, क्या कहा? सुल्तान कहा। इसलिए कि बादशाहत का ताल्लुक मंतके से है, ज्योग्राफी से है, इलाके से है। मंतके का ताल्लुक इलाके से है, ज्योग्राफी से है, इलाके से है, ममलिकत का ताल्लुक, और सल्तनत का, सुल्तानियत का, सुल्ते का ताल्लुक कंट्रोल से है। सुल्ता लफ्ज देखिए आप डिक्शनरी में, सुल्ता, सुल्ता यानी इख्तियार, कंट्रोल। कंट्रोल जरूरी नहीं कि जो एक इलाके का बादशाह हो उसका उस इलाके पर कंट्रोल भी हो। जो एक इलाके का बादशाह हो उसका उस इलाके पर कंट्रोल भी हो, मगर जो सुल्तान हो, इलाके पर कब्जा हो या ना हो, कंट्रोल जरूर रहता है। बड़ी बात कह रहा हूं, इलाके पर कब्जा हो या ना हो कंट्रोल जरूर रहता है, कंट्रोल जरूर रहता है। इनका कंट्रोल देखना हो तो तब देखो कि जब मामून के दरबार में एक जादूगर ने दस्तरखान पर इमाम के आगे से रोटियां उड़ाना शुरू की। बादशाह तख्त पर है, सुल्तान फर्श पर है, मगर सुल्तान के सुलते का पता कैसे चले? एक मर्तबा कालीन के शेर को इशारा किया। कालीन का शेर जिंदा हुआ। अब जो जिंदा हुआ तो जादूगरों को खा लिया। जादूगरों को खाया, दोबारा कालीन में चला गया। एक मर्तबा बादशाह ने कहा, जो वहां का बादशाह, बादशाह ने कहा कि इस शेर से कहिए कि मेरे जादूगरों को तो वापस कर दे। अरे बादशाह तू है, क्या बात है, ममलकत तेरी है, दरबार तेरा है, इनसे क्यों कह रहा है? तो शायद आवाज दे कि मलिक में और सुल्तान में फर्क यही है। इमाम ने एक जुमला दिया और जुमला तारीखी जुमला है। इमाम ने कहा कि अगर मूसा के आसा ने जादूगरों की रस्सियों को पलटा दिया होता तो ये शेर भी इस जादूगर को पलटा देता। मैं कहूंगा मौला आप सिर्फ ये कह देते कि ये जादूगर वापस नहीं आएगा, ये कहने की क्या जरूरत थी कि अगर मूसा के आसा ने उन रस्सियों को पलटा दिया होता तो मैं भी जादूगरों को पलटा दूंगा। तो शायद मौला आवाज दे कि मैं मामून रशीद को बताना चाहता हूं कि तेरी हुकूमत तेरे अजदाद तक है, हम उस सल्तनत के वारिस हैं कि जिस सुल्तान के सामने फिरौन जैसा बादशाह कुछ नहीं था, नाकिस था, मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया। बादशाह सुल्तान अल अरब वल अजम, अरब और अजम के सरदार, सुल्तान, साहिब इख्तियार। कितना बड़ा इख्तियार, आप सोचें, इसको महसूस करें। और ये तारीखी बात भी है कि इमाम को जब बुलाया गया मदीने से खुरासान, तो रास्ते में एक शहर पड़ता है जिसे कहा जाता है निशापुर। फिरोज़े पहनते हैं लोग निशापुरी, अगर मिल जाए असली, तो वहाँ पर उलमाए अहले हदीस का चर्चा था, बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी। अब जैसे ही उन्हें ख़बर मिली कि फ़र्जंद रसूल इस रास्ते से होकर गुजरेंगे, मैं कभी कभी सोचता हूँ कसम खुदा की, शुक्रिया अल्लाह का जितना इंसान अदा करे इस बात के लिए कम है कि हमारे जो रहबर हैं और उनके जो मौजज़ात हैं, शुक्र है खुदा का कि उसमें इंसान कंफ्यूज नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर कंफ्यूजन हो तो जाकर खुद उन मौजज़ात को देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अगर शक हो उनके मौजज़ात में, उनके सिफात में, तो जाकर देख लीजिए निशापुर में चश्मा बाती है या नहीं। तो ये हमारे रहबरान का अल्हम्दुलिल्लाह एक कमाल है कि उनके मौजज़ात बाकी हैं। 24,000 उलमाए अहले हदीस निशापुर में कलम दवात लिए बैठे थे। फर्जंदे रसूल आए, आकर एक दरख्त के नीचे बैठे, एक पत्थर से चश्मा जारी किया, अभी भी जारी है। लोगों ने कहा, ऐ फर्जंदे रसूल आप चले जाएंगे, क्या हमें अपने जद की कोई हदीस नहीं सुनाएंगे? क्या रसूल खुदा की कोई हदीस ऐ फर्जंदे रसूल आपसे नहीं सुनेंगे? इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया और एक मर्तबा अपने नाके पर तशरीफ़ ले गए। महमिल में बैठे, महमिल से जब बैठे और आवाज़ देकर कहा कि काला अभी, मेरे वालिद ने कहा, समय तो अनबी, कि मैंने अपने वालिद से सुना। फिर उन्होंने कहा समय तो अनबी, कि मैंने अपने बाप से सुना। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इमाम ज़ैनुल आबदीन से सुना। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इमाम हुसैन से सुना। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद मौलाए कायनात से सुना। फिर मौलाए कायनात ने कहा कि मैंने अपने भाई रसूल खुदा से सुना। फिर रसूल खुदा ने कहा कि मैंने जिब्रील से सुना। फिर जिब्रील ने कहा कि मैंने खुदाए वहदहू ला शरीक से सुना। क्या कहा था कि हमें अपने जद रसूल की कोई हदीस सुनाए। इमाम ने हदीस सुनाना शुरू की तो कहाँ से शुरू की? शुरुआत की अपने वालिद, फिर उनसे उनके वालिद, फिर उनसे उनके वालिद, फिर उनसे उनके वालिद, फिर उनसे उनके वालिद, फिर उनसे रसूल खुदा, फिर उनसे रसूल खुदा। बताना इमाम ने ये चाहा कि रसूल से अहादीस तो कोई भी सुना देगा, मगर हदीस का सोर्स, इस हदीस को कहा गया सिलसिलतुज़ ज़हब, कि यह सिलसिला है सुनहरा, सोने की जंजीर, सोने की जंजीर। जंजीर कब बनती है? अल्लाह हू अकबर, बड़ी बात कर रहा हूं। जंजीर कब बनती है? कि जब उसमें जंजीरें हो एक दूसरे में पेवस्त, एक दूसरे से जुड़े हो, तभी तो जंजीर बनेगी। अगर फासला हो जाए, तो जंजीर नहीं रहेगी। तो अगर सिलसिलतुज़ ज़हब को बाकी रखना है तो बिला फसल मानिए, फासला चंद जुमले हैं। सिलसिला हदीस क्या थी? हदीस कुर्सी का खुदा ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्मी, ये जो कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह है जिसे हम आसान समझते हैं, जिसको हम अहमियत नहीं देते हैं, जिसकी हमारी निगाह में वैल्यू नहीं है, ये जो कलमतो ला इलाहा इल्लल्लाह है, का खुदा ने फरमाया ये मेरा किला है। किला फमन दखला फी हिस्नी, और जो कोई भी इस किले में आ गया अमिन मिन अज़ाबी, मेरे अजाब से पनाह पा गया। 24,000 कलम लिख रहे थे, 24,000 कलम लिख रहे थे। मैं कहूंगा औलादे साले हो तो ऐसी हो कि जो अपने अजदाद का बदला इस तरह ले कि कल जद ने एक कलम मांगा। आज बेटे ने 24,000 कलम दबा। कुछ बता दो, बताए कल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, मेरा किला जो दाखिल हुआ अमान अजाब से। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना इजी है जहन्नुम के आदाब से बचना कि उस किले में दाखिल हो जाए। हर इंसान सोचेगा दाखिल हो जाए। एक मर्तबा सवारी चली और लोगों ने सोचा कि हदीस मुकम्मल, बस अल्लाह अल्लाह करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और जहन्नुम से निजात। लोगों ने इधर अपनी कॉपी बंद की, इधर इमाम ने महबिल का पर्दा हटाया और सर निकाल कर कहा अम्मा में शुरूतेहा। लेकिन इसकी शरायत है वाना मिन शुरूतेहा, और इसकी शर्तों में से एक शर्त मैं हूं, उसकी शर्तों में से एक शर्त। तो ला इलाहा इल्लल्लाह किसको बचाएगा? जो शर्तों के साथ आए, जो शर्तों के साथ आए, जो शर्तों के साथ आए। और उन शुरूत में एक कौन सी शर्त है? मैं। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। इमाम ने क्यों कहा कि वाना मिन शुरूतिहा, और मैं भी इसकी एक शर्त हूं? चूंकि शीयत में जितने भी फिरके हुए, बड़ी बात कह रहा हूं आपको, ये शीयत तारीखी दस्तावेज है। ये शीयत में जितने भी फिरके हुए वो चौथे इमाम से लेकर 8वें इमाम से पहले तक हुए। जितने भी फिरके हुए, अभी तो बहुत से लोगों को शियों के फ़िरके भी नहीं मालूम होंगे। कीसानिया है, जैदिया है, वाकफिया है, इस्माइलिया है, ये सब फ़िरके शियों के ही फ़िरके हैं। कोई 6 इमाम को मानता है, कोई 4 इमाम को मानता है, कोई 7वें का आकर रुक गया, मगर 8वें के बाद कोई फ़िरका नहीं हुआ। चौथे के बाद, चौथे से पहले कोई फ़िरका नहीं और 8वें के बाद कोई फिरका नहीं। इमाम ने अना मिन शुरूतेहा कहकर उन सब फिरकों को भी खारिज कर दिया कि अगर उस निजात याफ्ता मरहले में आना है तो उसकी शर्त अली रजा है। इसलिए कि जो अली रजा तक आ गया वो तवाज़दा इमामी होगा, जो 12वें तक आ गया, 12वें तक वही आएगा जो 8 तक आया हो। जो 8वें इमाम तक मान लिया, जिसने, मुमकिन नहीं है कि वो 12 तक ना पहुंचे, और जिसने 8वें से पहले छोड़ दिया, किसी में 50 इमाम हो चुके, किसी में 40 हो चुके, किसी में 100 से ज्यादा हो चुके। 8वें तक जो आ गया वो 12 तक पहुंचा। तो इमाम ने उनको भी पैगाम दिया और हमें भी पैगाम दिया, अना मिन शुरूतेहा, उसकी एक शर्त कौन हूँ मैं। और रिवायात कहती हैं कि अहदीस हैं कि जो ज़ियारत करेगा उस पर जन्नत लिखा हुआ है, रोज़े में जाएंगे लिखा हुआ है कि जो भी ज़ियारत करेगा आठवीं इमाम की उस पर जन्नत हुआ है। खुदा आप सबको हमें भी उस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप सोचिए या मोइनज़ ज़ो, कभी ज़ियारतनामे पर गौर कीजिए, अस्सलाम वालेकुम या मोइनज़ ज़ोफ़ाए वल फ़ुक़रा, ए कमज़ोरों और फ़कीरों के मददगार। अगर आप कमज़ोर हैं जाइए उनकी बारगाह में, जाकर सलाम कीजिए कि मौला आप मोइनज़ ज़ोफ़ा वल फ़ुक़रा हैं, ज़ईफ़ आ गया, फ़कीर आ गया, गरीब आ गया, वो आ गया कि जिसका आपके अलावा कोई मददगार नहीं है, बीमार हैं जाइए सहने शिफा में, तलब कीजिए, तड़प कर तलब कीजिए, मुमकिन है कि वो अता ना करे। जो जानवरों तक पर रहम करता हो, हिरनी का वाकया आप सबके जहनों में है या नहीं है? एक हिरनी को शिकारी ने पकड़ लिया, वाकया आपके जहनों में होगा। कहा कि मैं रो रही थी, इमाम जा रहे थे, इमाम ने कहा नहीं क्यों पकड़ रखा। वो हिरनी ने जानी इमाम से क्या कहा, इमाम ने कहा कि भाई इसे छोड़ दे, इसके बच्चे तो छोटे छोटे, उन्हें दूध पिलाकर ये आ जाएगी। कहा कि मौला ये जानवर है, चली जाएगी कैसे आएगी, क्या जमानत है इसकी? इमाम ने कहा कि मैं बैठ जाता हूँ, मैं इसकी जमानत में बैठ जाता हूँ, मैं बैठा हूँ, इसको छोड़ दे, मैं बैठा हूँ, अगर ये जब तक नहीं आएगी मैं तेरे पास जमानत में बैठा हूँ। वो इमाम जो है हिरनी तक की जमानत, जिसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, वो इमाम आंखों के आंसुओं से हाले दिल पढ़ लेता है। बैठ गए भाई, हिरनी गई, दूध पिलाकर लौट कर आई, शिकारी ने सरो सीना पीट लिया। हाँ मौला कितने करीम हैं आप, एक हिरनी के लिए बैठ गए। बैठ जाइए घर के किसी कोने में, बैठ जाइए कि मौला आपकी जमानत में बैठा हूँ। ये दुनिया के हालात तबाह कर रहे हैं, मुझे अपनी जमानत में ले लें, अपनी पनाह में ले लें, बचा लें इससे। कारोबार, औलाद, जिंदगी में सुकून नहीं है, पकड़ लीजिए उस दामन को। ज़ियारात की किताब में जब फ़ज़ाइल ज़ियारात पढ़ेंगे आप, एक किताब में मैं पढ़ रहा था, शेख बहाई का ज़ाहिरन क़िस्सा है, जिन्होंने डिज़ाइन किया है, आर्किटेक्ट भी थे, कि मैंने एक दिन देखा आलम मुकाशिफा में, मुकाशिफा कहते हैं कि इंसान नींद और जागने की हालत में हो, तब मैं रोज़े में था, मैंने आलम मुकाशिफा में देखा इमाम के हरम में के हरम की जाली हटी और रोजे के चारों तरफ बहुत से जानवर हैं जो अपना सर उठाए हुए देख रहे हैं, कुछ इंसान भी उनके बीच में हैं। तो मैंने देखा कि रोजे की खिड़की खुली, जरी की, और उसमें से इमाम निकले और वो जानवर इमाम को चारों तरफ पहुँच गए मोहब्बत से, इश्तियाक से, और इमाम उन सब के सरों पर हाथ फेरते हुए जा रहे हैं। मैंने इमाम से पूछा कि मौला ये जानवर कौन है जिनके सरों पर हाथ फेर रहे हैं? तो इमाम ने कहा कि ये हमारे वो शिया हैं जिनके अमाल अच्छे नहीं, मगर इनके दिल में हमारी मोहब्बत है, तो कैसे मुमकिन है कि हम उन पर नवाजिश ना करें? ऐ मेरे मौला, हम लोग भी ऐसे ही हैं जिनके असल हालात शक्ल व सूरत अहवाल से आप वाकिफ़ हैं, मगर हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत लिए बैठे हैं। अपने मोहब्बत भरा हाथ हमारे सरों पर फेर दी। तारीख़ लिखती है कि 23 ज़िलक़ादा जब आई तो इमाम ने अपने ग़ुलाम अबू सलते हरवी से कहा कि देखो मुझे मामून ने बुलाया, मैं जा रहा हूँ। तो मौला क्या इरादा है उसका? कहा कि उसका इरादा मुझे शहीद करने का है। शहादत की तारीख़ है। तसव्वुर कीजिए, मशहद में इमाम के रोज़े पर हैं, पुरसा देने के लिए फातिमा मासूमा को पहुँचे। का मौला तो ना जाइए। कहा जो खुदा का हुक्म है उस पर अमल करना है। देखो जब मैं लौट कर आऊँ तो अगर ये रुमाल मेरे चेहरे पर हो तो मुझसे बात मत करना, समझ जाना कि मुझे जहर दे दिया। और देखो कि अगर मेरे चेहरे पर रुमाल हो और मैं जाकर लेट जाऊँ तो तुम सब दरवाजे बंद कर देना। अबू सल्त ने कहा कि मौला, फिर आपके गुस्ल व कफन के बारे में कोई वसीयत है? तो इमाम ने कहा कि ख़बरदार, मासूम को गुस्ल व कफन मासूम देता है। हम मौला, आपका तो एक ही बेटा है, वो भी मदीने में है। इमाम ने कहा कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा। इमाम घर से निकले, पहुँचे दरबार में। वहाँ पर अंगूर रखे हुए थे, जहर वाले अंगूर। मौला से कहा खाइए। मौला ने कहा कि मुझे मत खिला, इस इरादे से बाज आ जा। कहा आप खाते क्यों नहीं? आप तो ऐसे परहेज कर रहे हैं जैसे मैंने इनमें जहर मिलाया हो। इमाम ने 3 दाने अंगूर के खाए और खाकर इमाम खड़े हो गए, चलने लगे। तो मामून ने कहा कहाँ जा रहे हो? इमाम ने कहा जहाँ तूने भेजा। जहर कैसा था? अंगूर के रस में जहर मिलाया गया। उस अंगूर के रस में धागा डाला गया, वो धागा पड़े रहने दिए गए। जब उसने पूरा जहर जज्ब कर लिया तो फिर अनार के रस के में जो जहर मिला था उसे जज्ब कर लिया, तो फिर वो सुई के ज़रिए अंगूर के अंदर से निकाल दिया गया, जहरीला बिल्कुल। तारीख़ लिखती है कि इमाम जब घर में तशरीफ़ लाए, अब असलते हरवी कहते हैं कि मैंने देखा कि इमाम के चेहरे का रंग बदल गया है। मैंने देखा इमाम के चेहरे पर, सर पर और चेहरे पर रुमाल पड़ा हुआ है। मैंने पूछा इमाम क्या हालत है? इमाम ने कहा कि मुझसे कलाम ना करो, मेरा कलेजा कट रहा है। मेरा कलेजा कट रहा है। अब मौला, अभी तक आपके फर्जंद नहीं आए। कहा कि वो आ जाएंगे, मगर तुम मुझसे बात ना करो, मुझे आराम करने दो। तारीख़ लिखती है कि इमाम जाकर लेट गए, चेहरे पर अपने रुमाल ढके हुए हैं। इतने में दरवाजे से एक बच्चा दाखिल हुआ। बच्चे का दाखिल होना था। अब्बा सल्त ने कहा कि अरे बरखुरदार, तुम कौन हो? अरे कहाँ चले आ रहे? मैंने तो दरवाज़ा भी नहीं खोला, तुम कैसे आ गए? एक मर्तबा कहा है अब्बा सल्त, अरे जिसका बाप जहर के असर से तड़प रहा हो वो बेटा कैसे रुक जाए? अरे मैं अपने बाबा को गुस्ल कफन देने के लिए आया हूँ। मैं कहूँगा मौला, अरे खुशकिस्मत है बेटा मदीने से आ गया। अरे जरा करबला, आसमान से कफन आया, आसमान से हुनूत आया। इमाम ने हुनूत दिया, कफन दिया। अब एक मरतबा इमाम आँखों से ओझल हो गए। तारीख़ लिखती है कि जैसे ही ये खबर पहुँची कि इमाम की शहादत हो गई, शिया इकट्ठा हो गए। इमाम के जनाजे को लेकर चलना शुरू किया। एक मरतबा जब जनाजा खुरासान में पहुंचा, तूस में पहुंचा, ज़मीन तूस में पहुंचा जब जनाजा, तो एक मरतबा मामून आया, कहा मैं नमाज पढ़ाऊँगा। एक मरतबा अबा सल्तन ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि मासूम की नमाज मासूम के अलावा कोई और नहीं पढ़ाता। इतने में इमाम तकी आ गए, आकर इमाम ने नमाज पढ़ाई। एक मरतबा पूरा मजमा मुंजमिद हो गया। इमाम ने नमाज पढ़ाई, दफन किया, दफन करके इमाम चले गए। बाप पर रोते रहे, मगर मैं कहूँगा मौला अरे बड़े खुशकिस्मत हैं, बाप को दफन भी कर दिया, अरे नमाज भी पढ़ा दी। जरा एक मंजर अरे कूफे का देखिए, अजीब मंजर है कूफे का। मालम देखिए, अरे जब शहादत होने के बाद सबके सरों को लेकर कूफे में लाया गया, तो एक मरतबा लोग उन सरों को देख रहे थे। सुनिए कयामत का मंजर। और मजलिस तमाम मरहूम के बेटों को बेटियों को मेरी तरफ से पुरसा, इनके घर वालों को मेरी तरफ से पुरसा। अरे जैसे ही सराय लोग उन सरों को देख रहे थे, एक मरतबा एक दरवाज़ा खुला, उस दरवाजे से एक जवान निकला। जवान ने सरों को देखना शुरू किया। एक मरतबा एक सर पर निगाह पड़ी, चीख मारी, तलवार निकाली, और जिसने नेज़ा उठाया हुआ था उसका सर काटा, नेज़े पर से सर उतारा, अमामा उतारा और सर को साफ किया, कलेजे से लगाकर कहा जिसके जवान बेटे हो उनके बाप का सर अरे नेज़े पे नहीं होता, ये हबीब का बेटा था। अरे ज़ैनुल आबदीन तड़प गए, कहा बाबा अरे माफ कर दीजिए, जवान जिंदा है, बाप का सर नो के नेजा पर है, ना गौसल दे सका ना कफन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ज़ाही तस्लीमन लिअमरे सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्य मनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, ए करीम रब, ए मेरे मेहरबान रब, इमाम रज़ा का वास्ता हम सबको ज़ियारत इमाम रज़ा और मासूम ख़ुन नसीब फरमा दे। ए परवरदिगार, इमाम ने फरमाया है कि जो मेरी ज़ियारत करने आएगा उसकी तीन मकाम पर मदद करने, अलग अलग रिवायतें, तीन मकाम पर उसकी मदद करने ज़रूर आऊँगा। जब दम निकल रहा हो तब मदद करने आऊँगा, जब हिसाब किताब हो रहा होगा तब मदद करने आऊँगा, और जब रोज़े महशर खुदा के सामने पेश होंगे जब मदद करने। ए परवरदिगार, हमारे इमाम को हमारी मदद के लिए भेज दे। ए परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम अपने इमामों के गुनाहगार मानने वाले हैं। ए करीम रब, तुझे हमारे इमामों का वास्ता हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। ए परवरदिगार, मरहूम के और इस मजमे मौजूद तमाम लोगों के मरहूमीन के तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात में इजाफ़ा फरमा। ए परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, ए करीम रब, जनाब फ़ातिमा मासूमा मासूमा क़ुम का वास्ता, ए मेरे मेहरबान रब, हमारी बहनों को बेटियों को माओं को इस ज़माने के फितने से महफूज रख। ए परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इमाम रज़ा का वास्ता, इमाम रऊफ़ का वास्ता, इमाम करीम का वास्ता। ए परवरदिगार, उस इमाम का वास्ता कि जिसके सहन में एक सहन शिफा है। परवरदिगार, इस मजमे में और शियान हैदर करार जहाँ जहाँ भी है जितने लोग भी बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। ए परवरदिगार, इमाम ज़ामिन का वास्ता, हम सबको कोरोना जैसी मोहलक वबा से महफूज रख। ए परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मरहूम के बच्चों को इस मुसीबत को बर्दाश्त करने का सब्र अता फरमा, हिम्मत और हौसला अता फरमा। ए परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जब तक हमारी ज़िंदगी रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत पर ज़िंदा रहें, उनके अहकाम पर अमल करते रहें, और परवरदिगार दुनिया से जाएँ तो इनकी विलायत के साथ दुनिया से जाएँ। ए परवरदिगार, हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, मराजईन किराम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इमाम ज़माना का वास्ता। ख़ुद इमाम रज़ा की एक हदीस मैंने पढ़ रहा था कल कि इमाम ने फरमाया कि हमारा शिया जब कोई दुनिया से जाता है तो मैं उसके जनाजे की तशरीह में शिरकत करता हूँ, और अगर उसके गुनाह ज़्यादा हों तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा, इमाम के क़ल्ब नाज़रीन को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारा अमालनामा ऐसा हो जाए कि इमाम आसर अमालनामा देख कर मुस्कुरा दें, आंसू ना बहाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा हम, तीन मरतबा इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम की रूह को इरशाद फरमा।